हे गाइस, वेलकम बैक। सो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं इस प्रोडक्ट के बारे में जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लिखा हुआ था कि 8 ग्राम वाले पैक में आपको पूरा एक्टिवेटर यूज़ करना है, लेकिन पूरा एक्टिवेटर यूज़ करने से आप देख सकते हैं मेरी स्किन जल चुकी थी, बर्न हो गई थी चीक्स एरिया पर। सो अदरवाइज़ अगर आप एक्टिवेटर को हाफ़ यूज़ करोगे तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है, इंस्टेंट ग्लो मिलता है आपके फेस को। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कि पूरा स्किन मेरा साइड से थोड़ा जल चुका था। तो अगर आप जानना चाहते हो इस प्रोसीजर को तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है फेम का गोल्ड ब्लीच जो कि 8 ग्राम पैक वाला है। तो आप देख सकते हैं इसमें नो अमोनिया एडेड है। तो उसके अंदर आपको मिलेगा एक क्रीम का बॉटल और एक एक्टिवेटर का बॉटल मिलेगा, और आपको उसके साथ में एक छोटा सा स्पैचुला भी मिलता है मिक्स करने के लिए। तो ये पूरे फेस के लिए बहुत ही परफेक्ट है क्योंकि आपको इसमें मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आपको इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इस पूरे क्रीम की बॉटल में पूरा एक्टिवेटर मिलाना है, एंड देन उसके बाद मैं इसे स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटा सा स्पैचुला मिला था इसमें, बट मैं यहाँ पे उसकी जगह अपनी फिंगर का यूज़ करूँगी। तो इसे तब तक मिक्स करना है जब तक आपको इसकी कंसिस्टेंसी एकदम क्रीमी जैसी ना हो, जैसे आप फेस पे कोई भी क्रीम अप्लाई करते हो वैसा बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल भी बारीक बारीक सा कुछ फील नहीं होना चाहिए आपके फेस पे या हाथों पे। तो इसे अच्छे से मिक्स करते रहिए, टेक योर टाइम, कोई घाई मत कीजिए, आराम से मिक्स करें। तो मिक्स होने के बाद मैं इसे अपने एंटायर फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 8 ग्राम वाला पैक जो है वो एंटायर फेस के लिए बहुत ही परफेक्ट है, आपको मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपको लिखा हुआ है कि आपको एक्टिवेटर को पूरा ऐड करना है क्रीम में। और अगर आप इससे बड़ा वाला पैक लेते हो तो उसमें आपको मेजर स्पून मिलता है, तो जिसकी हेल्प से आप मेजर कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि आपको 8 ग्राम वाले पैक में फुल क्रीम के अंदर फुल एक्टिवेटर यूज़ करना है। तो जी नहीं, मैं बिल्कुल भी ये रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मेरी स्किन सच में बर्न हो गई थी। मैंने इसे पहले भी काफ़ी बारी यूज़ किया है, तो उस वक्त मैं एक्टिवेटर को हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा ऐड करती थी, तो उसकी वजह से ना ग्लो बहुत अच्छा आता था। मेरी सेंसिटिव स्किन है तो ग्लो बहुत अच्छा आता था, लेकिन मैंने इस बार सोचा कि चलो मैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करके देखती हूँ। तो मेरी स्किन सच में बर्न हो गई थी, स्पेशली चीक्स एरिया पर। तो इसे अच्छे से ड्राई होने देना है, और ड्राई नहीं, इसे आपको लगाने के बाद 10 से 15 मिनट तक वेट करना है। एंड ये जो प्रोसीजर है ये मिडिल में आपको करना ज़रूरी है कि आपको बार बार इसे फिंगर की हेल्प से मसाज देना है क्योंकि इसे आपको ड्राई नहीं होने देना है। ये फेस पैक नहीं है, ये ब्लीच है, तो आप ध्यान रखें कि आपको इसे ड्राई नहीं होने देना है। इसे बीच बीच में ऐसे आप मसाज करते रहिए। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, मेरी स्किन पहले ही जलने लगी थी, तो इसमें लिखा हुआ भी है कि अगर आपकी स्किन ज़्यादा, अगर थोड़ी बहुत इचिंग होगी तो चलता है, बट अगर ज़्यादा इचिंग हो तो आप प्लीज़ इसे रिमूव कर दें। तो मैंने इसे 10 मिनट के अंदर ही रिमूव कर दिया था क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा जल रही थी। तो जैसे कि मैंने, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी जो अपर लिप्स के हेयर है वो गोल्डन हो चुके हैं। देन एक वेट स्पंज की हेल्प से मैं इसे क्लीन करूँगी। तो जिसके आप देख सकते हैं कि बर्न वाला जो एरिया है वो दिख रहा है। जी हाँ, मुझे भी इसी प्रोसीजर के बाद पता चला था कि मेरी स्किन बर्न हो चुकी है और मैं बहुत रोई थी, बट ठीक है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता है फ्यूचर में तो आप टेंशन मत लीजिए, ये 2-3 के अंदर चला जाता है। आपको बस करना ये है कि दिन में कम से कम 2 से 3 बार आपको आइस क्यूब वहाँ पर अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं कि ग्लो सच में बहुत अच्छा आता है, इसका इंस्टेंट ग्लो मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैंने पहले भी इसे इस्तेमाल किया है, तो वही, आपको ब्लीच कभी भी डायरेक्ट पानी से नहीं धोना है, कोई कपड़े की हेल्प से या स्पंज की हेल्प से क्लीन करना है। सो गाइस, ये था मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट पर और मेरा एक्सपीरियंस। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू डिड देन डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।